पूरी नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। नेशनल हेल्थ मिशन यूपी NHM यूपी इन एसोसिएशन विद सत्य में जैते ट्रस्ट दोबारा कैंप लगाया गया, जिसमें जिला अस्पताल डॉक्टर पीयूष जैन ने बताया कि मरीज को किन किन चीजों से बचाया जाना चाहिए, जैसे कि लकवा इंसान को कभी भी हो सकता है। लकवा आजकल कम उम्र के लोगों में भी हो रहा है, मगर आपको लकवा के लक्षण जैसे ही मालूम होते हैं, लकवा के मरीजों को 4 घंटे के अंदर सही इलाज मिल जाए तो लकवे का मरीज ठीक हो सकता है। अगर जिसमें लेता लाली बरतने पर मरीज को साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए पर तुरंत दिखाएं। और सरकारी हॉस्पिटल जैसे जिला अस्पताल को बेहतर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। और भी बीमारी से बचाव करें, जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, थायराइड, और समय समय पर चेकअप कराएं। मुख्य अतिथि CMO मुकेश कुमार आगरा, श्री मुकेश, डॉक्टर पीयूष जैन और अन्य लोग मौजूद रहे। आज जो डॉक्टर साहब यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, जो आप लकवा ग्रस्त के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज हमने आगरा में एक जागरूकता सेमिनार, यहाँ पे स्वास्थ्य सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सत्यमेव जयते ट्रस्ट के द्वारा। इसमें हमारा मेन काम यही है कि हमने यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को एक फास्ट कैंपेन, जो कि हमने लकवा जागरूकता अभियान आगरा में चलाया हुआ, उसके माध्यम से लोगों को बताया है कि किस तरह से लकवे जैसी गंभीर बीमारी के प्रथम 3 या 4 लक्षणों को पहचान कर और सही समय पर सही अस्पताल में आकर लोग अपने घर वालों को, खुद को या किसी भी अनजान व्यक्ति को लकवे के गंभीर परिणामों से बचा सकते हैं, जिसमें से विकलांगता होती है या फिर मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में करी है, जिसमें दिल की बीमारियाँ हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, और लकवा अपने आप में इसका एक पार्ट है। उसके बारे में कैसे अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सही रखकर हम इन जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। लकवे की बात करें सर, तो शुरुआती लक्षण क्या कुछ देखे जाते हैं? लकवे के 3 प्रमुख रूप से शुरुआती लक्षण हैं, जिसमें से अगर कोई स्वस्थ आदमी है और अचानक उसके मुंह में कोई टेढ़ापन आ जाता है तो लकवे का एक लक्षण ये माना जाता है। अगर उसके बाजू में या पैर में अचानक से कोई कमजोरी आ जाती है और वो कोई अचानक गिर पड़ता है, गिरने के बाद उठ नहीं सकता, या फिर वो उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा हुआ है वो चीज़ गिर जाती है, ये भी लकवे का एक लक्षण होता है। या फिर वो उसकी बोली अस्पष्ट हो जाती है, क्लियर नहीं होती, वो बोल रहा है, मुंह से सिर्फ आवाज़ें निकल रही हैं, उसके शब्द सो लोगों को समझ में नहीं आ रहे, तो लकवे के 3 प्रमुख लक्षण ये होते हैं। और किसी भी व्यक्ति में 3ों में से एक लक्षण उत्पन्न होता है, 3ों होते हैं या 2 होते हैं, अगर वो आदमी सही समय पर सही स्तर के अस्पताल में, जहाँ पर CT स्कैन की सुविधा हो, सही डॉक्टर हो, जहाँ पर लकवे के इलाज की सुविधा हो, तो वो आदमी को विकलांग होने से बचा सकते हैं। मुख्य कारण सर क्या रहते हैं, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है काफी लोगों? आजकल लकवे का मुख्य कारण है मेनली एक लाइफ स्टाइल डिजीज का इसका एक प्रकार है, जिसमें वजन का बढ़ना, गंदी आदतें जैसे स्मोकिंग और एल्कोहल का बढ़ता हुआ सेवन, जंक फूड्स का सेवन और हेरिडिटी कंपोनेंट्स, ये हमारे युवाओं में भी आजकल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लकवे जैसी बीमारियां, दूसरे गैर संचारी रोग जो पहले वृद्धावस्था में होते थे, 50 साल की उम्र के बाद होते थे, आजकल 16-17 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि एक दूसरे को जागरूक करें। मैं डॉक्टर RS कपूर, पूर्व अध्यक्ष IMA आगरा। जो आज जो प्रोग्राम चल रहा है आपका, यहाँ जो अभी मैंने देखा है कि जो लकवा जिसको मार जाता है, उसके बारे में आप जो यहाँ जनता को जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कई सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ ये अभियान चल रहा है, यानी उन बीमारियों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, जो कि इन्फेक्शन से एक दूसरे नहीं फैलती है बल्कि शरीर के अंदर से पैदा होती है। और दूसरा, ये वो बीमारियां हैं जिनको बड़ी आसानी से हम अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके उनको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे अभी मालूम पड़ा है, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ कम उम्र के लोगों को भी ये लक्षण पाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना, ये लाइफ स्टाइल जो हमारी हो गई आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब फिजिकल वर्क ना करना, बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे TV देखना, बाहर के आउटडोर एक्टिविटीज ना करना, नहीं खेलना। जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और किस प्रकार का आयोजन आपकी तरफ से किया गया? ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक अभियान चल रहा है, जिसमें कि असंक्रामक रोग जो होते हैं उनकी जागरूकता संगोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं हम लोग। उसमें हम लोग चैनल पार्टनर हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ और IMA आगरा के साथ। जैसा कि अभी डॉक्टर RS कपूर साहब ने बताया कि ये वो बीमारियां हैं जो कि आदमी के अपने जीवन शैली के कारण हो रही हैं। युवा
उम्र में ग्रसित हो रहे हैं और इसको इसके दो तरीके हैं इस संगोष्ठी के माध्यम से हम दो चीजें संदेश देना चाहते हैं समाज को। पहला ये कि अपनी जीवन शैली को बदलकर आप इससे बच सकते हैं इस बीमारी से, और यदि आपके घर में बुजुर्ग है कोई या कोई भी व्यक्ति आपका अपना इस बीमारी से ग्रसित हो रहा है लकवे जैसी बीमारी से, तो वो शुरू के चार गोल्डन आवर्स जो है स्वर्णिम घंटे, चार घंटे जो स्वर्णिम घंटे कहलाते हैं, उन घंटों में अगर आप सही समय पर सही जगह डॉक्टर के पास सही डॉक्टर के पास ले आते हैं और सही इलाज शुरू हो जाता है उसका, तो उसको आजीवन। आगरा से इमरान खान की रिपोर्ट।